हैं, अली बाबा और 40 चोर जो हम कहते आए, वो ही कहानी है कि शहर को ये मिलके लूट रहे हैं। राजनीति एक सबसे बढ़िया व्यवसाय हो गया शहर में। एक बार कोई पार्षद बन जाए और MLA बन गया तो, और मंत्री जी हो गए तो वो तो समझो सब कुछ हो गए, सब कुछ हो गए। केंद्रीय मंत्री हो गए तो भाई जी मेरे से ही क्या कहवाओ, आप भी जान रही है। मैं कमल सिंह तंवर एडवोकेट भी हूँ और राजपूत सभा जिला फरीदाबाद का अध्यक्ष हूँ। नर्चर फाउंडेशन एक NGO है, राष्ट्रीय NGO है, उसका मैं संरक्षक हूँ। सेव फरीदाबाद NGO का भी मैं संरक्षक हूँ। हम लोग इतने दिन से एक शहर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु जो एक नेक्सर बना हुआ भ्रष्ट पॉलिटिशियनों का, भ्रष्ट नेताओं का, शराब माफियाओं का, भू माफियाओं का, ये पार्किंग माफियाओं का, जो रिसोर्सेज अभी मेरे भाई किनारे थे, वो रिसोर्सेज तो इतने हैं, ये नगर निगम को, मेरे को एक साल के लिए एडवाइजर रख लें इसमें नगर निगम में, जो ये सो कॉल्ड अपने फ्लैटरर्स को रखते हैं। अभी जैसे ये कमेटी गठित की है, उसमें भी अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं ये कमेटियाँ, परंतु मार्केट में पता है कि कौन सा इलाका कहाँ चला गया है। अपने तरीके से मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये अली बाबा और 40 चोर जो हम कहते आए, वो ही कहानी है कि शहर को ये मिलके लूट रहे हैं। और नहीं, जहाँ से रिसोर्सेज जनरेट होने चाहिए वहाँ ये आँख मीचते हैं। 12/2 एक कंपनी थी जहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपए नगर निगम को मिलता, वो अंडर टेबल मिल के अधिकारियों ने, और वो रजिस्ट्री हो गई उसकी, है उसकी रजिस्ट्री करा दी गई। निर्माण हो गया, मतलब उस पर इंडस्ट्रियल प्लॉट को कॉमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया और इलीगल बिल्डिंगें बना दी, जो टोटल सेक्टर 37 का मार्ग बाधित होता आज उससे। ना उसका कोई प्लान, ना पार्किंग व्यवस्था, ना कुछ, इलीगल वो बना दी गई। जबकि उसमें वैसे ही मुझे पता लगा था कि भाई करोड़ों रुपए का तो लेन देन का वैसे पता लगा था कि नेताओं के बीच में हुआ, मैं उसमें साक्षी था। अभी मैंने पीछे उठाया था रक्षवाल, वहां दबा रहा है सरकारी जमीन को भी दबा लिया, और इलीगल बिना CLU कराए 4-2.5 एकड़ में वो स्कूल बना रहा है। तो क्या वो, यदि इसका विजिलेंस कमेटी का बताते हैं, लोकसभा का वो है प्रभारी BJP का, तो उसको ये अधिकार मिल गया कि वो सरकार के पैसे को बचाए। निहाल सिंह पूर्व पार्षद हैं, वो वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग बना दी 1 एकड़ में बिना किसी नक्शा पास कराए, बिना उसके, तो कहाँ से ये आएंगे। जैसे अभी ये बता रहे थे, इतने स्लाटर हाउस चल रहे हैं शहर में, उसकी 0 इनकम है, कोई इनकम नहीं है। पानी की जो 10 पैसे लेते हैं 10 रुपये पर लीटर, 10 रुपये लीटर जो लेते हैं जैसे भी, उसका वो तक उसका हिसाब नहीं है कहीं, तो उसकी जो, और ये इलीगल जो एडवर्टाइजिंग है वो कहाँ जा रहा है। तो ये सब एक स्मार्टली लूट हो रही है। आप देखिए कि एक राजनीति एक सबसे बढ़िया व्यवसाय हो गया शहर में। एक बार कोई पार्षद बन जाए तो उसकी एकदम से आप देखिए किस तरह से सारी दिशा बदल जाती है, दशा बदल जाती है। और MLA बन गया तो वो तो पीढ़ियों के लिए अर्जित कर जाता है, और मंत्री जी हो गए तो वो तो समझो सब कुछ हो गए, सब कुछ हो गए, फरीदाबाद के भगवान हो गए। मैंने पहले भी कहा, केंद्रीय मंत्री बन गए तो, केंद्रीय मंत्री हो गए तो भाई जी मेरे से ही क्या कहवाओ, आप भी जान रही हो, ये तो देख लो आप। चलिए और कोई प्रश्न वो हो तो कहे सर्वे बताएं। सर्वा हो गए, कैसे कमाई होगी नगर निगम की ये बताइए, एडवाइजर बना दिया था। हमें बना दें एडवाइजर, मेरी जब बनाएंगे जब बता देंगे जी, तभी मैं बता दूंगा किस तरह से होगी। ये चोरी रोक दें, जो इनका अनैतिक गठजोड़ हो गए, आपने होर्डिंग लगा देता है, जो अनैतिक गठजोड़ हो गया। हाँ चलिए, हमारा विषय नहीं आज, एक बार मेरे स्कूल से भी एक होर्डिंग लगाने के पैसे लिए निगम ने, तभी मैंने पूछा कि भाई ये इतने शहर में लग रहे हैं तो चलो मैं तो जमा कर दूंगा। वो कुछ 500-700 रुपये का उसका था एक होर्डिंग का, तो मैं तो एक पोल पे छोटा सा होर्डिंग लगा था, वो 2x3 का। अब उसके जब यदि ये 500 रुपये बना सकते हैं, तो यहाँ तो बड़े बड़े होर्डिंग देखे मैंने शहर में।